जय माता दी आज नर्मदा जयंती पर आइए सुनते हैं माँ नर्मदा की यह कहानी प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रीवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा है कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी ऐसी कथा है कि यह भगवान शिव के पसीने से एक बारह साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बह निकली नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थी नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलब कावली का पुष्प लेकर आएगा राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा इसके बाद कई राजकुमार आए लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर पाया तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की कावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार तो उन्हें देख लें इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा लेकिन काफी समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुआरी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं नर्मदा के प्रेम की और कथा मिलती है कि सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े किशोरा अवस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा तभी सोनभद्र के जीवन में जुहीला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे इसके बाद जब नर्मदा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफ़ी समझाया बुझाया लेकिन वह नहीं माने इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुआरी रहने की कसम खाई नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा की उत्पत्ति मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है बता दे कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और खम्भात खाड़ी में गिरती हैं नर्मदा भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है ग्रंथों में नर्मदा नदी की उत्पत्ति और उसकी महत्ता का विस्तार से वर्णन मिलता है इन्हीं कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से होने वाले फल की भी जानकारी मिलती है नर्मदा की इकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी जो फल नहीं मिलता वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है कहा जाता है नर्मदा ने कई हजार सालों तक तपस्या की इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया इसके बाद नर्मदा ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने विश्व में एकमात्र नाशिनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है इसके अलावा नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया एक अन्य कथा के अनुसार कई हजार वर्ष पहले की बात है नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी सोनभद्र नद बनकर जन्मा दोनों के घर पास थे दोनों अमरकंट की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते चिढ़ते चिढ़ाते हंसते रूठते दोनों का बचपन खत्म हुआ दोनों किशोर हुए लगाव और बढ़ने लगा गुफाओं पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए उन दोनों ने खाई जीवन भर एक एक दूसरे का का साथ नहीं छोड़ने का, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जूहिला नदी आदम की सोलह श्रृंगार किए हुए वन का सौंदर्य लिए वह भी नव थी उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया जूहिला को भी अपनी सखी से प्यार पर डोरे डालते लाज ना आई नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की लेकिन सोनभद्र तो जैसे जोहिला के लिए बावरा हो गया था नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखे बाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली सोनभद्र और जूहिला ने नर्मदा को जाते देखा सोनभद्र को दुख हुआ बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी उसने पुकारा रुक जाओ लौट आओ नर्मदा लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुआरी रहने का प्रण कर लिया युवावस्था में ही सन्यासनी बन गई रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई हरे भरे जंगल आए पर वह रास्ता बनाती चली गई कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई